इस वक्त मैं गोपालगंज के सदर अस्पताल में खड़ा हूँ। गोपालगंज का ये मॉडल सदर अस्पताल है। ऐसे में मिशन 60 के तहत बिहार सरकार लगातार अस्पतालों की तस्वीर बदल रही है। एक तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, आप भी आकर्षित होंगे। देखिए तस्वीरों में कि पहले ये गोपालगंज सदर अस्पताल है और वो तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो देखिए कि यहाँ पर इसके गेट पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो थावे दुर्गा मंदिर की एक तस्वीर बनाई जा रही है। देखिए कि कितने आकर्षक तरीके से इस तस्वीर को बनाया जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते होंगे कि गोपालगंज सदर अस्पताल की जो है वो तस्वीर अब बदलने लगी है। मिशन 60 जब आया उसके बाद से ही अस्पतालों की तस्वीर सभी जगहों पर बदली, गोपालगंज की भी तस्वीरें बदली, कई व्यवस्थाएँ बदली, लेकिन देखिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से इस जो है फिगर को बनाया जा रहा है, यानी ये मधुबनी पेंटिंग के तहत बनाया जा रहा है। और भी जो है जगहों पर हम दिखाएंगे आपको कि सदर अस्पताल में अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग जो मरीज आएँ वो उसको देख कर प्रसन्न हो और उन्हें जो है जब प्रवेश करें सदर अस्पताल में तो उन्हें ऐसा लगे कि हम बहुत बेहतर जगह पर आए हैं। हो सकता है कि उससे उनकी बीमारियों में भी मदद मिले या फिर बीमारियाँ भी उससे काफ़ी हद तक दूर हो, चूँकि कहा जाता है कि लोग हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो बीमारियाँ दूर होती है। तो ऐसे में ये तस्वीर देखिए और जो अन्य जो तस्वीरें बनाई हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सदर अस्पताल के जो ब्लड बैंक है वहाँ बनाया गया है, जो महिला प्रसूतिवाद है वहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग बनाया गया, जो भी दीवारें खाली दिख रही हैं वहाँ पर जो है मधुबनी पेंटिंग का आयोजन किया जा रहा है। भाई साहब जो बना रहे हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या नाम है और क्या क्या चीज़ें जो है बनाया गया। इधर जरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज आलम पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें जो बना रहे हैं आप सदर अस्पताल में? काफ़ी अच्छी तस्वीर भी दिख रही है। सदर अस्पताल में एक्चुअली क्या है, मधुबनी पेंटिंग बन रही है और यहाँ जो है माँ का स्थल बन रहा है, थावे दुर्गा मंदिर जो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध है वो बन रहा है, और जो जो दीवारें खाली थी जैसे आपने बोला वहाँ सब पे मधुबनी पेंटिंग बन रही है। अच्छा यहाँ पर क्या बना रही है? थावे दुर्गा मंदिर, थावे दुर्गा मंदिर की तस्वीर बन रही है। आप देख लीजिए थावे दुर्गा मंदिर की तस्वीर बन रही है, इसलिए जो भी अस्पताल में आए इलाज वगैरह कराए जो भी जो इसका मन्नत हो उसके माँ पूरा करें यही कामना है। यानी भावना दिया जा रहा है कि आप मंदिर को देखकर। जी जैसे हर एक अस्पताल में कहीं जाइएगा तो कोई ना कोई देवता का जो है फोटो लगता है, तो यहाँ भी माँ का जो यहाँ अपने गोपालगंज जिला का जो है थावे दुर्गा मंदिर का प्रसिद्ध जो है यहाँ लग रहा है। अच्छा क्या क्या चीज़ें बनाया जा रहा है मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से, किसकी किसकी तस्वीरें हैं? बस ये अब बाकी सारे जो है मधुबनी पेंटिंग है और ये आपको मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग है। कुशीनगर का भी एक बनाया गया है दिख रहा है, कुशीनगर गौतम बुद्ध जी के बना है। जी गौतम बुद्ध जी का बना है, उनका एक फ़ोटो बना है जो आपको पहले जो इमरजेंसी वार्ड था उसी में बना है। इससे क्या मैसेज आएगा जो मरीज आएंगे उनके लिए? इसमें तो देखिए एक तो कला है और कला देखने वाली चीज़ है इससे, और जो गौतम बुद्ध जी हैं और ये थावे माँ का दरबार है जिसकी जो प्रेरणा है, जो आप जो जैसे स्वीकार करता है जो अपना धर्म उस धर्म से अपने मुतल्लिक जो है काम करेगा तो ऊपर वाला है देने वाला। बहुत शुक्रिया। तो और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है आपको ये देखकर बताइए? बहुत सुंदर दिखाई, बहुत सुंदर। इधर देखिए कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। अस्पताल में कई मधुबनी पेंटिंग लगा है बना है, क्या कहेंगे कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, सब जगह पे सब जगह सुंदर हमको लग रहा है। चलिए वही तो सुंदर देख हम आ रहे हैं देखने के लिए, वही देखने आए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए तो आपने सुन लिया कि देखिए किस तरह से लोग जो है पहले से ही जागरूक हैं और कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत यानी बहुत सुंदर जो तस्वीरें बन रही है वो लग रहा है। ये सुनाते हैं कि गोपालगंज के सिविल सर्जन इसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। मिशन 60 के तहत हम लोग को मिला था कि आप लोग जो है हॉस्पिटल का रंग रूप इसका चेंज करना है, स्वरूप बदल देना है ना, ताकि जो भी मरीज बाहर से आए उसको अच्छा फीलिंग हो। इसी के तहत हम लोग तो रंग रूप मतलब कि रंग रोगन कराया गया है ना, जैसे टूटे फूटे फर्श ये सब का मरम्मत किया गया और दीवार पर जो है भी पेंटिंग किया गया है ताकि देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, सबको अच्छा पसंद आए है ना, और मन को शांति मिले इसके तरह किया गया है। एक बड़ा बदलाव किया गया है? बदलाव नहीं, हम लोग प्रयासरत हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इसमें क्या करना है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि गोपालगंज के सिविल सर्जन ने क्या कुछ बताया। उन्होंने कहा है कि लोगों की भावनाओं को बदलने के लिए जब वो अस्पताल में आएंगे तो उनका जो है तस्वीरों को देखेंगे उनकी भावनाएं बदलेगी, उनकी बीमारियों पर जो है देखने के बाद लगेगा कि भाई हम यहाँ आए हुए हैं और वो ठीक हो जाएगा। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ अच्छी चीज़ें देखकर बीमारियों में
जो है वो ठीक होता है या दूर होता है, इसको लेकर जो ये मधुबनी पेंटिंग है वो बनाया जा रहा है और ख़ास तौर से साफ़ सुथरा रहेगा और अस्पताल जो है बेहतर दिखेगा, इसको लेकर भी ये मधुबनी पेंटिंग बनाया जा रहा है। आप गोपालगंज से आयाज अहमद।